कौन से मंदिर जा रहे हैं आज, हम ये तो बता दो। पवन धाम के सारे मंदिर जितने भी हम घूमेंगे अपने आज हम बहुत सुंदर सुंदर मंदिर आपको दिखाने वाले हैं और देखते हैं आप कैसे लगते हैं, जरूर बताना कि आपको वो मंदिर कैसे लगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने, हम लोगों के व्रत थे, हमने सोचा बोर हो रहे इससे अच्छा हम मंदिरों के दर्शन करके आ जाते। तो मैं, मम्मी जी, दोनों बच्चे, मांच नहीं आया क्योंकि उसको ना घूमना पसंद नहीं है, तो उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। अभी हमें मयंक को पिक करना है और उसको लेके हम लोग मंदिर चलेंगे, तो ले लिया है क्योंकि यहाँ पर ऑटो ही चलते और बस थोड़ा इतना ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पर, लेकिन अभी हमें ऑटो कर लिया क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं। ओहो, सो के उठ के आया क्या? सो रहा था, सही कह रही हूँ, इधर मोड़ लो। तो फाइनली जिसका इंतजार था ना यही है वो लड़का। हेलो कर दे, पकड़ाना है तू जान। तो अभी हम सबसे पहले मंदिर में पहुंचे, यहाँ पर हम लोग दर्शन करें और ये देखिए मेरे पीछे पूरे भगवान जी दिखाई देंगे। अभी यहाँ का माहौल बड़े भक्तिमय हो गया है ना। चलो आपको दर्शन कराते हैं मंदिरों के। सबसे पहले मंदिर में हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भगवानों की काफ़ी सारी जो है झांकियाँ हैं और हर मंदिर में हमने देखा कि एक गुफा टाइप बनाई हुई है जिसके अंदर से जो है आपको जाना होता है। अच्छा, गुफा जो बनाई होती है ना उसमें चलने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है झांकियाँ हैं जहाँ हर भगवान की जो है तस्वीर नज़र आएगी। आपको पता ही है कि हरिद्वार फेमस ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। आपको जगह जगह पे और कुछ दिखाई दे ना दे, लेकिन मंदिरों के दर्शन आपको ज़रूर हो जाएंगे। मंदिर में हमने दर्शन किया ना वहाँ पर कुछ नहीं था, बस हम इधर से घुसे और उधर से निकल गए, मतलब बहुत कम था देखने के लिए, थोड़ी बहुत झांकियाँ थी। अब हम दूसरे मंदिर में जा रहे हैं और इसका नाम है शिवानंद धाम। तो जितनी भी मंदिरों में एंट्री करोगे ना सबसे पहले यहाँ पर जो है ना कूपन लेना पड़ेगा। और कितने रुपए का कूपन है भाभी का? 5 रुपए का, 5 रुपए का कूपन है और छोटे बच्चों का तो नहीं लगेगा, बड़े बच्चों का 5-5 रुपए। और यहाँ पर भी थोड़ी सी गुफा टाइप है तो हम लोग चल रहे हैं, बाकी मंदिर तो बढ़िया है। और मम्मी जी को डर लग रहा था कि अगर छोटी सी गुफा हुई तो मैं कैसे जाऊंगी। और अभी ये छोटी गुफा है देखो, आगे छोटी, पता है मुझे भी सफोकेशन होती है गुफा के अंदर, तो मैं भी नहीं जा सकती, मैं आधे से ही वापस निकल आएंगे अगर ज्यादा छोटी होगी तो। नहीं नहीं, बट बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, ठीक है। गुफा के अंदर अंदर जो है ना झांकियां बनाई हुई है देखने के लिए। कि अभी हम जिस मंदिर में पहुंचे हैं ना वहाँ पर जो स्वचलित झांकियाँ होती है ना, जो चलती फिरती है, वो झांकियाँ हम लोगों को देखने को मिली थी। अच्छा, अभी मैंने एक गुफा वाली बात बोली तो जैसे होता है ना किसी को डर होता है, एक फोबिया सा होता है, तो शायद वही फोबिया मुझे भी है। मुझे बहुत घबराहट होती है इस तरीके से छोटी छोटी गुफाओं के अंदर जाने के लिए, और वही सेम जो है ना वो मम्मी जी को भी होती है, तो इसीलिए ना हम लोग गुफाओं में थोड़ा सा कम ही जाते हैं। सुंदर आ रहा है ना, ये ना माता वैष्णो देवी की गुफा बनाई हुई है, अभी हम उसी में चल रहे। शांति बहुत है यहाँ पर और ठंडा ठंडा भी लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। में हमने दर्शन किए लाल माता मंदिर में, माता के तो सारे मंदिर बिल्कुल आसपास हैं, मतलब लाइन से सारे मंदिर हैं, तो सारे मंदिरों के दर्शन बहुत इजीली हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दूर दूर पे नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना चलना भी नहीं पड़ता है। तो दूसरे मंदिर के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं तीसरे मंदिर में जो कि कांच का मंदिर है, ऐसे बाहर लिखा हुआ था, अंदर जाके देखते हैं कितना कांच लगा है मंदिर में, कांच ही कांच है पूरा। चलिए, अच्छा अच्छा होगा, फिर चल के देखते हैं।
जो तीसरा मंदिर है जहाँ पर हमने अभी एंट्री की है, और एंट्री करते ही ना सबसे पहले जो है कृष्ण भगवान जी के दर्शन हुए हैं। जो गोवर्धन पर्वत वो जो है उठा के रखते हैं ना, वही पूरा एक मतलब तैयार किया हुआ है। और उसके बाद हम जब अंदर गए तो हमने देखा कि पूरा जो है कांच का मंदिर है। बहुत पहले कभी बचपन में मैं इस मंदिर में आया करती थी, तो कांच का मतलब कि पूरे छोटे छोटे से जो कांच के पीस होते हैं ना, वो पूरे मंदिर में लगे हुए हैं। और अंदर जाते ही ना बहुत बढ़िया लगता है। एक चीज़ की मुझे यहाँ पर थोड़ी सी कमी खली, जो लाइट्स थी ना वो थोड़ा सा कम थी। हो सकता है शायद उन्होंने जलाई हुई उस टाइम पे कम हो, क्योंकि अगर यहाँ पर और लाइट्स जलती ना तो ये जो कांच है ना ये और भी ज़्यादा चमकता। बट देखिए कितना सुंदर लग रहा है फिर भी। और यहाँ पर आके ना बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो ये कांच का मंदिर है, आप भी इसको दर्शन कर लीजिए। और कभी हरिद्वार आएँ तो इन मंदिरों में ज़रूर आना। सप्तऋषि में बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। और इसके बाद फेमस भारत माता मंदिर भी था, जहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमें थोड़ा सा जो है ना देर हो रही थी घर जाने के लिए। इस वजह से इतने सारे मंदिरों के एक साथ दर्शन करना तो जो है पॉसिबल नहीं था। बट जितना हम लोगों से हो पाया उतने ही मंदिरों के जो है हम लोगों ने दर्शन किए। हम लोगों ने मंदिर के दर्शन तो कर लिए और अब बच्चों को थोड़ा सा चटोरापन जा गया है ना। मार्केट आए और थोड़ा सा चाट पकोड़े ना खाएं, ऐसा हो सकता है। तो ये लोग अभी खाएंगे गोलगप्पे, खाएगा टिक्की, वो खाएगी गोलगप्पे और हम लोग कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि हम लोगों का व्रत रहता है। तो हम घर जाके सात्विक खाना खाएंगे। चलो घूम के मजा आया। हम लोग तो गुफा के अंदर गए ही। अब दो चटोरियाँ खाएंगे गोलगप्पे और तू चटोरा खाना चाट। अच्छे, चलो खा लो। कैसी हो रही है? अच्छी है। हाँ मजेदार हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और देखिए मैं अभी तक जो है लेटी हुई हूँ। तो कल हम लोग घूमने गए थे मंदिर और मंदिर से आने के बाद मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब ना, पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे पतिदेव की ड्यूटी लग गई है किचन में खाना बनाने की। तो कल उन्होंने मतलब व्रत का सारा खाना बनाया और बहुत टेस्टी बनाया हुआ था खाना। और अभी जो है ना सुबह भी वही बना रहे हैं। तो अभी वो बना रहे हैं साबूदाने की खीर। अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैंने मेडिसिन ले लिया, थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिला है। तो देखते हैं शाम तक और भी ठीक हो जाऊंगी मैं। हाँ प्लेट में चाहिए। तो अब नमिता का रिव्यू और ये चेक करके बताएगी। मीठा लिटरली मैंने चेक नहीं किया, अपने अंदाजे से मैंने डाला है, नॉट श्योर। अच्छी हो रही है, सब कुछ परफेक्ट है। मीठा भी अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम। मतलब आपको खीर बनानी आ गई है, आप अविश्वसनीय ही तो साला फंस गए हैं हम भैया। ठीक है, चलो खीर बन गई है, खीर रेडी है। नमिता का फीडबैक आ गया है, दैट्स वेरी नाइस दैट यू नो द मास्टर शेफ हैज गिवन मी द साइन ऑफ। आई एम ग्लैड। सो फाइनल साइन ऑफ दे दिया है नमिता शर्मा ने। और अब इतना एक कटोरी खीर खाने के बाद इसको ठीक लग रहा है और मुझे लग रहा है ये उठ सकती है काम करने के लिए। देखो देखो देखा, खीर खाते मुस्कुराई। देखा आपने सुबह से बोल रहे मैं बीमार हूँ बीमार हूँ, मुस्कुराई नहीं और खीर खाते ही देखो कैसे चार बत्ते सी निकल रही है। सेल पड़ रही है ना पेट में, गरम गरम जा रहे हैं ना अंदर। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी। थोड़ा सा तबीयत मुझे आज ठीक लग रही थी तो मैंने सोचा चलिए अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और हम लोगों को कहीं बाहर भी जाना था, तो कहाँ जाना था ये आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।